चलिए, दिन की शुरुआत कुछ अच्छे एक विचार से करते हैं, कुछ अच्छे सुविचार से करते हैं। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपना काफ़ी समय घूमने फिरने में या फिर किताब रीड करने में व्यतीत करता हूँ। इस बार भी एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसका एक अंश जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और मैं खुद उसमें यकीन मानता हूँ, यकीन करता हूँ, और मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी भी जीता हूँ, और आप सबके साथ में भी ये शेयर करता हूँ ताकि आप भी इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिए। एक व्यक्ति ने पूछा कि खुश कैसे रहना चाहिए, खुश रहने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, कैसे सीखे कि हम खुश रहे, इसका कोई उपाय बताए। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है इसमें। खुश रहना कोई सीखने की बात नहीं है। एक फूल जो है, गुलाब का फूल ले लीजिए, गुलाब के फूल को खिलने के लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता। गुलाब के फूल को खिलने के लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता, उसका वो स्वभाव है कि वो खिलेगा ही, उसे सीखने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे खिलना है। वैसे ही हम इंसान का स्वभाव है कि हमें खुश ही रहना चाहिए, ये हमारे स्वभाव के भीतर मौजूद है और खुश रहना ही हमारा स्वभाव है। पर हमने भी ये जो चीज़ है खुश रहना, ये जो बात है खुश रहना, ये बचपन में हमारे पास ये स्वभाव में था। जब हमने अपने माँ के पेट से जन्म लिया था तो बाय डिफ़ॉल्ट कुदरती तौर पे हमें खुश रहना आता था, पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें ये सिखाया जाता है कि आप दूसरों को खुश रखिए, दूसरों के खुशी के लिए अपने सेक्रीफाइस दीजिए। जैसे ही आप बड़े होते हो आपको सिखाया जाता है कि आप माँ बाप के लिए कुछ कीजिए, आप अपने बच्चों के लिए कुछ कीजिए, आप अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए कीजिए, और हमें यही सिखाया जाता है कि आप खुश मत रहिए लेकिन आप हमेशा ये कोशिश करें कि दूसरों को खुश कीजिए। और हमें यही सिखाया जाता है कि दूसरों को खुश रखने में ही हमें हमारी खुशी समझनी चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। जब आप स्वयं खुश नहीं रह सकते तो आप दूसरों को भी खुश नहीं दे सकते। जब आप स्वयं खुश रहोगे तो आपकी खुशी जो है वो ओवरफ्लोइंग होती है, और उससे आपके आसपास के माहौल में जो आपके साथ रहते हैं वो अपने आप ही आपकी मौजूदगी से खुश हो जाते हैं। हमें ये कभी सिखाया नहीं गया कि आप अपनी ज़िंदगी जिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या पसंद करते हो। जैसे एक छोटा बच्चा बचपन में जब एक छोटे से खिलौने के साथ खेलता है तो वो कितना प्रसन्न होता है, हवा का एक झोंका उसे छूता है वो कितना प्रसन्न होता है, हर छोटी बात में वो खुश हो जाता है। और खुश होने के लिए सीखना नहीं पड़ता, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अगर आपको खुश रहना फिर से एक बार सीखना भी है तो मैं ये कहूँगा कि सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका स्वभाव ही है। आप दूसरों की चिंता छोड़ दीजिए, स्वयं में हो जाइए और स्वयं के बारे में सोचिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी पसंद क्या है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे फिरना अच्छा लगता है, मुझे व्लॉगिंग अच्छी लगती है, मुझे बाइक राइडिंग अच्छी लगती है, जिम अच्छा लगता है। आप स्वयं अपने आप खुश हो जाओगे, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप खुश रहना भूल भी गए हो जो आपका स्वभाव था, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप आर्टिफिशियल चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, जो नेचुरल चीज़ें जो परमात्मा ने बनाई हैं चीज़ें, उदाहरण के तौर पे पेड़ ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे एक फूल ले लीजिए, नदी ले लीजिए, लेक ले लीजिए, समुंदर ले लीजिए, सूरज ले लीजिए, चांद ले लीजिए, तारे ले लीजिए, ये जो प्राकृतिक चीज़ें जो परमात्मा ने बनाई है, आप इन चीज़ों के पास बैठिए, इनको देखिए, इनके साथ बात कीजिए, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप इतने प्रसन्न हो कि आपको और किसी प्रसन्न होने के लिए फिर से सीखना नहीं पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली आपके स्वभाव में एक खुशी झलकेगी और आप अद्भुत प्रसन्नता से लोटपोट हो जाओगे, यकीन मानिए, ऐसा करके देखिए आप। तो दोस्तों, ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। हमें यही सिखाया गया कि आप दूसरों के बारे में सोचिए सोचिए तो सेक्रीफाइस करने से खुशी मिलती है। यकीन मानो दोस्तों, जो भी चीज़, जो भी बात आपको अच्छी लगेगी, आपको पसंद आएगी, जो भी चीज़ आपको खुशी देगी ना, दुनिया उसे क्रिटिसाइज करेगी, दुनिया यही कहेगी कि ये आदमी सही नहीं। और जितना आप दुनिया के लिए बलिदान करोगे ना, दुनिया आपको सुर्खियों पे चढ़ाएगी, आप कितनी तारीफ़ करेगी, अरे इसके जैसा तो इंसान ही नहीं है, सुपर है, माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही ज़बरदस्त शख्स है ये।
आप जितना अपना इच्छाओं का दम घोटेंगे दुनिया आपकी तारीफ करेगी, और जितनी आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे लोग आप पे जज आपको जज करेंगे, आपके बारे में विचित्र विचित्र बातें करेंगे। यही हमने सब ने सीखा और हम यही करते आए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि दूसरों के बातों से अपने आप को नाराज़ मत कीजिए, दिल पे मत लीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। इस दुनिया में राइट और रॉन्ग जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जो भी चीज़ आपको खुशी प्रदान करे, जो भी चीज़ से आपको सुकून मिले, मज़ा आए, ज़िंदगी जीने का आपको एक अनुभव मिले, वो आप सब कुछ कीजिए। जो आपको सही लगता है वो सही है, जो आपको गलत लगता है वो गलत है। अगर आप गलत भी कर रहे हो तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से करिए, किसी के कहने से मत कीजिए। और आप सही भी कर रहे हो तो अपनी मर्ज़ी से कीजिए। जो भी काम आप कीजिए उसमें आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए, और जब आपकी मर्ज़ी उस काम में हो जाती है तो आप उसमें खुश महसूस करते हो, सुख का अनुभव करते हो। मैं यही आप सभी से कहूँगा कि जैसे मैं अपनी इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ कि मैं ज़्यादा सोचता नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या। और काफ़ी लोग बोलते भी, मैं जानता हूँ कि वो ये भी कहते हैं कि कोई काम धंधा है कि नहीं इसका, हर 4-5 दिन 10 दिन में कहीं घूमने चला जाता है, ऑफिस भी जाता है नहीं जाता है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोग कहते हैं कि बाइक राइडिंग करता है यार, ये कोई उम्र है बाइक राइडिंग करने की। काफ़ी सारी बातें मेरे बारे में भी होती है लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लोगों के कौन से विचार को मुझे अपनाना है और कौन से विचार को नहीं अपनाना है, ये सब कुछ मेरे हाथ में है। मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं स्वयं के साथ बहुत खुश रहता हूँ, अपनी हर इच्छाओं को पूरी करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि सारी इच्छाओं को पूरी करूँ। और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आसपास कौन क्या बोल रहा है इस पर मत जाइए, बस एक छोटे बच्चे की तरह हो जाइए और ज़िंदगी को बहुत ही हंसते खेलते जिए और सारी इच्छाओं को पूरा करें और खुश रहे।